आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्जी। इसको हमने गर्म पानी करके इसको बॉईल कर लिया। देखिए, सारी गंदगी निकल गई है और हमारा मशरूम साफ हो गया है। इसको ये पानी निकालेंगे, उसके बाद भी ठंडे पानी से दो पानी धुलेंगे और साफ करेंगे। देखिए, इसको हमने चालन में निकाल लिया है और अब हम ठंडे पानी से इसको धुल लेते हैं। देखिए, सारी गंदगी निकल गई। देखिए, मशरूम साफ हो गया। अब इसको हम तैयारी करते हैं बनाने की। देखिए, हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, दो चम्मच तेल डाल दिया है, उसी में हम डाल देते हैं दो तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, चार लौंग, छोटा चम्मच जीरा। इसको थोड़ा भूनते हैं। इसी में डाल देते हैं तीन हरी मिर्च। इसको हमने ऐसे काट लिया। इसी में बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। दो प्याज था, इसको हमने बारीक काट लिया है। दो बड़े प्याज थे, इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक भूनते हैं। हाई फ्लेम पे भूनेंगे क्योंकि हमको इसको ब्राउन करना है। देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसी में हम डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। इसी में डालते समय इसलिए डालते हैं क्योंकि इसे डालने से कलर आता है बहुत अच्छा। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसी में हम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। इसको हमने पेस्ट नहीं बनाया है। इसी में टमाटर डालते समय तुरंत हमें डालना है नमक, क्योंकि टमाटर और प्याज नमक से ही गलेगा। एक चम्मच डाला और एक चम्मच से थोड़ा और डालती हूँ। इसे अच्छे से चलाऊंगी और अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी क्योंकि अच्छे से इसको भुनाई करना है, गलाना है। देखिए, टमाटर हमारा गल चुका है। हमने पेस्ट नहीं बनाया, फिर भी देखिए कितना अच्छा गल गया है और कलर कितना अच्छा आया। मसाला अभी नहीं डाले हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। मसाले में है, देखिए, धनिया पाउडर, कांदा मसाला, घर पे बनाया हुआ है, ये है खुशबू के लिए थोड़ा सा चिकन मसाला, ये हमारा किचन किंग मसाला, इसमें हम ऐड करते हैं। इसी में हम डाल देते हैं, देखिए, थोड़ा सा हींग, क्योंकि हींग डालेंगे वो मटर डाल रहे हैं ना, तो हींग डालना ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए। में हम इसको मसाला को भून के तैयार करेंगे। देखिए, हमारा ग्रेवी कितना अच्छा तैयार हो रहा है। देखिए, मसाला हमारा भुना गया है, हल्का, और भुनेंगे किस तरह से तेल छोड़ चुका है देख सकते हैं आप, कितना अच्छा कलर आया है मसाला का।
इसी में हम डाल देते हैं मटर, मटर मसाले के साथ में थोड़ा इसको भी भुनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम भून रहे हैं, देखिए 2 से 3 मिनट मटर को भूनेंगे। मटर हमारा हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम मशरूम को ऐड करेंगे। देखिए देखिए मसाला हमारा मटर के साथ भून के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा से भून के तैयार हो गया, पूरा तेल छोड़ चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसी में हम ऐड करते हैं अपना मशरूम, इसको भी 2 से 3 मिनट तक पकाते हुए इसको भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसी में हम डालते हैं बटर, बटर डालने से खुशबू बहुत अच्छा आता है। इसको चला के मिक्स करेंगे। देखिए हमने 2 से 3 मिनट तक इसको चला के ढक दिया था और देखिए अच्छे से ये भुना गया है। इसी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा भून के तैयार हो गया है। देखिए तेल छोड़ चुका है, कितना सुंदर कलर आया है। थोड़ा सा इसी में हम पानी ऐड करते हैं। देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, हमने अपने हिसाब से थोड़ा पानी डाला है, आपको अपने अनुसार से आप पानी डाल सकते हैं। और इसमें हमने दही ऐड नहीं किया है, और आपको पसंद आए तो आप दही ऐड कर सकते हैं ग्रेवी बनाते समय। दही नहीं तो क्रीम ऐड कर सकते हैं अमूल का, वो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। देखिए हमने इसमें दही क्रीम नहीं डाला है, घर के मसालों से हमने मटर और मशरूम बना के तैयार कर रही हूँ। अब इसको हम 5 मिनट तक ढक के रख देती हूँ। देखिए मशरूम मटर हमारा बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। देखिए देखिए हमारा मशरूम मटर बन के तैयार हो गया, कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। देखिए और आप मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए प्लीज़ कैसा बना।